ताकि वो भी उजाली की ओर आ सके। आमीन। परमेश्वर को महिमा हो। परमेश्वर को सब कुछ वो हमारे चरवा है, अचानक एक चरवा है, वे भटके हुए और सोए हुए भेड़ों के पीछे आते हैं। ये करने की प्रेरणा क्या है? कल भी हम लोग सीख रहा था क्या है, परमेश्वर की दया हमारे अंदर क्या है, दया आना है। भटके हुए खोए हुए लोगों के लिए दया आना है, प्रेम आना है, तभी हम वो देख रहे हैं। वो तो यीशु के बगैर सभी सेवा का ही प्रेम कर वो नम्र दास बन गए। क्या उसने जन्म लिया, क्या जन्म लिया? वो त्रिनिधि के पुस्तक को जब पढ़ेंगे तो उनके साथ और आगे पढ़ लेते हैं। ये समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रभु यीशु मसीह, आज मैंने जाना कि आप मेरे लिए इस धरती पर आया, क्रूस पर चढ़ा, लहू बहाया, मारा गया, गारा गया, फिर जी उठा। प्रभु आज मैं आपके सामने मेरे पापों को स्वीकार करता हूं। मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, मुझे आपकी लहू से पूरा पूरा धो डालना। मेरे बाप दादाओं से, परिवार से, अपने कारण से आए हुए सभी श्राप, अभिशाप, बंधनों से छुटकारा करना, मुझे माफ करना और अपने संतान के रूप में स्वीकार करना। आज मैं मुंह से स्वीकार करता हूं कि आप मेरा मुक्तिदाता है, आप मेरे उद्धार करता है और मैं हृदय में विश्वास रखता हूं। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु, आज के दिन के लिए, उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, क्षमा के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। आप लोग वही ऐसे दास बन गया, ऐसे नम्र व्यक्ति बन गया कि इंसानों के बीच में उसने जन्म लिया। आमीन, आमीन। आप और मुझे भी परमेश्वर यीशु मसीह एक हम्बलनेस, एक नम्र होने के लिए सिखाते हैं। आप और मेरे जीवन में एक नम्रता में एक दास के रूप में फिर दो के पास कहता है कि यीशु मसीह का जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर की तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को नेता तुल्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता से हो गया। हमें देखे तो अपने आप को सारे स्वर्गों के निरंतर मिलने वाली हरेक की